ने नू पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक आपराधिक गैंग को बस्ट किया है और इसमें जाहिद और सुखा नाम का एक व्यक्ति है जो काफ़ी देर से फ्रॉड करता था। ये लोगों को बेसिकली फ़ोन करता था और डिफरेंट तरीके से उनको लगा के उनके कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लेता था। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लेने के बाद ओटीपी लेने के बाद उनके बैंक से कुछ ड्रॉल्स होते थे। इस तरह के हमारे पास जो है 4 मुकदमे आए और इसमें इन्होंने मुर्डर्स क्या अपनाया, डॉक्टर्स हैं सारे या मेडिकल फील्ड से कि हम आर्मी से हैं और हमें कुछ मास टेस्ट करवाने हैं, आप हमें स्कीम बता दीजिए। और फिर उनके जो लैब अटेंडेंट या जो थे उनके आधार कार्ड लेने के बाद ओटीपी मांगते थे, कहते थे जी हम आपको आईडी कार्ड बनाएंगे, आप कंटोनमेंट रहेंगे, हमें आपको एंट्री नहीं होने देंगे जब तक आपका वो नहीं बनेगा। और इसमें जो अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल थे उन्होंने गुड फेथ में अपने डिटेल्स दे दिए और ऐसे 4 मुकदमे कुरुक्षेत्र में पाए गए हैं और उसमें हमने अरेस्ट किया है और रिकवरी भी हुई है। लगभग 28,000 की रिकवरी है और पेटीएम के थ्रू ट्रांसफ़र किया था। इसमें हमने राउंड अप कर लिया और भी जो नाम आ रहे हैं उनको भी बहुत जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा ताकि कोई भी अपराधी ये ना सोचे कि मैं साइबर में छुप के अपराध कर लूँगा और भोले भले लोगों के मेहनत के पैसे ले जाऊँगा। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि अपने जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं या डिटेल्स हैं उसको कभी शेयर मत कीजिए। कोई भी आपसे बैंक्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन आर्मी वो कभी आपसे डिटेल्स व्हाट्सएप पे नहीं मांगेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मांगेंगे। बिना वेरीफाई किए अपनी मेहनत की कमाई मत लूज़ कीजिए किसी को भी। और साथ ही मैं ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँगी, नया जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930 1930, इसको आप सेव कीजिए। अगर आप इस तरह के किसी फ्रॉड की आप शिकार हो जाते हैं तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।